ट इन सेवन को फोर कोचिंग रैंक लेस ऑल तो क्या है लेकर सिक्स तक हमारी रैंक डिस्ट्रीब्यूट होंगी

मीन्स हमें टेबल बनेगी ओके थ्री टेस्ट होंगे हमारे पास फोर कोचिंग्स हैं, हमें पता है टेबल बनेगी है हमारी पर इससे पहले कि हम टेबल बनाएं, सबसे पहले एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी है अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हर क्वेश्चन में हमें ये मिलेगा एक पर्टिकुलर वर्ड दैट इज इफ इसका मतलब ये है कि जो हमारी टेबल बनेगी वो हमारी कंप्लीट टेबल नहीं बन पाएगी क्योंकि जो भी हमें यहाँ पे डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारी टेबल हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी इतना हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है इफ क्यू वॉज रैंक थर्ड इफ द एवरेज रैंक सिक्योर्ड बाय आर तो ये इफ नहीं होता अगर हमारी टेबल पूरी बनती होती काफी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं सेट सॉल्व करने बैठ जाते हैं और फिर हेट एंड ट्रायल करते रहते वैल्यूज फाइंड करने का इसलिए हमें कभी भी हम जैसे मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूं कि आप एक एक बार आपको क्वेश्चन जरूर चेक करना होगा अब जैसे इस क्वेश्चन से हमें सिंपल सा ये क्लू मिल रहा है कि हमारी टेबल पूरी कंप्लीट फिल नहीं होगी जो भी हमें बाद में सॉल्व करना होगा वो हमें क्वेश्चन के थ्रू ही करना होगा इससे क्या होगा अब हमारा टाइम सेव हो जाएगा हम ज्यादा हिट एंड ट्रायल पर फोकस नहीं करेंगे ओके तो ये छोटी छोटी लर्निंग होती है जो कि हमें लेना पड़ता है

इट इज द ओनली टेस्ट इन विच एस मैनेज टू बैग अ रैंक विद इन द टॉप थ्री ओके तो मीन्स अब जो एस की रैंक होगी यहाँ पे डी एस में एंड एस टी में वो रैंक क्या होगी आईदर फोर आईदर फाइव या आईदर सिक्स सच देट की वो हमारा ओके ओके रिपीट भी हो सकता है अभी हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवेन नहीं ओके तो फोर फाइव सिक्स में से कुछ भी हो सकता है इन एस टी आर गॉट बेटर रैंक देन पी सो इन एस टी आर गोट बेटर रैंक okay, इसको भी हम एवरेज रैंक अगर एवरेज रैंक फोर है और हमें पता है है, तो सम कितना होगा ट्वेल्व एस है बेटर रैंक इन इन द टेस्ट कंडक्टेड बाय डी एस दैन दंडक्टेड बाय टी ओके तो अब देखिए सिंपल सा है यहाँ पे फोर फाइव सिक्स पॉसिबल है यहाँ पे फोर फाइव सिक्स पॉसिबल है क्या बोला गया है एस एड अ बेटर रैंक इन द टेस्ट कंडक्टेड बाय डी एस द वन कंडक्टेड बाय एस टी अब मुझे इतना पता है इन दोनों रैंक्स का जो भी सम होगा वो कितना होगा टेन तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे फोर आ जाए और यहाँ पे सिक्स आ जाए क्योंकि फोर इज बेटर रैंक ओके और यही हमें बोला गया है कि एस एड अ बेटर रैंक इन द टेस्ट कंडक्टेड बाय डी एस दैन द वन कंडक्टेड बाय एस टी तो एस का तो हमें सभी इंफॉर्मेशन पता चल गई ओके इसको हम रेज कर देते हैं आ, ये वाली इंफॉर्मेशन हमने सभी यूज कर ली है आ, ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया है इट इज द ओनली टेस्ट इन एस मैनेज टू बैक द बैग विद इन द टॉप थ्री नो कोचिंग द सेम रैंक इन टू टेस्ट ओके अब हमें बोल दिया है कि हमारी जो कोचिंग्स हैं उन्होंने सेम रैंक टू टेस्ट में नहीं रिसीव किया okay, जो भी रैंक्स होंगी वो तीनों ही टेस्ट में डिफरेंट होंगी है। क्या बोला गया है अब यहां पर हम देख सकते जो यहाँ पे इसकी रैंक टू है ये वर्ष रैंक नहीं है ओके मीन इसके बाद भी क्यू आर आर की रैंक उससे कम है इतना तो हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं तो टू ऑफ दी टेस्ट में TM के तो वो टेस्ट नहीं है तो वो दोनों टेस्ट कौन से होंगे एक तो डी एस और एक तो एस टी अब ये रैंक अगर यहाँ पे सबसे वर्स्ट रैंक है तो बाकी सभी के बीच रैंक क्या डिस्ट्रीब्यूट होगी वन टू एंड थ्री सच दैट कि उनकी रैंक सेम ना हो होके okay? तो जो पी की क्यू की एंड आर की रैंक होगी यहाँ पे वन टू और थ्री होगी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जो कि अभी हमें पता नहीं है पी मैनेज रैंक विद इन द टॉप थ्री इन ऑल द थ्री टेस्ट पी मैनेज रैंक विद इन द टॉप थ्री इन ऑल द थ्री रैंक ओके और देखिये यहाँ पे रैंक वन है तो पी की यहाँ पे रैंक क्या होगी आईदर टू और थ्री सेम यहाँ पे रैंक क्या होगी आईदर टू और थ्री क्योंकि की क्या क्या रैंक क्या, क्या है टॉप थ्री इन ऑल द थ्री टेस्ट और हमें यह भी गिवेन है कि नो कोचिंग एट द सेम रैंक इन टू टेस्ट मीन पी की थ्री रैंक कौन कौन सी है वन टू एंड थ्री तो टोटल तो 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 कितना है पी की सम ऑफ टोटल रैंक कितना है सिक्स ओके okay, अब हम पता हमें पता नहीं है कि टू होगा वहां पर या थ्री होगा अब देखिए दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमें बाद में यूज करना होगा जैसे एक पॉइंट है क्यू मैनेज टू गेट अ बेटर रैंक देन आर एंड टू ऑफ द थ्री टेस्ट ओके ये ये पॉइंट अभी हमने देखे ये मैंने एरो बना दिया है यहां पे तो ये पॉइंट हमें अपने क्वेश्चन के टाइम हमें यूज करना होगा ओके मीन हमें इन पे ध्यान रखना होगा इनपे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट कहा गया था ये इन एस टी आर गॉट बेटर रैंक देन पी इन एस टी आर गॉट बेटर रैंक देन पी ओके तो यहाँ पे जो आर की रैंक होगी वो पी से बेटर रैंक होगी अब देखिए मैंने जैसे पहले बताया था हम क्वेश्चन रीड कर लिए अब देखिए हम ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके थ्रू सॉल्व करेंगे इफ क्यू वॉज रैंकड थर्ड इन दस्ट कंडक्टेड बाई डीएस सबसे पहले तो पेन चेंज करते हैं क्यू वॉज रैंकड थर्ड यहां पे ओके इफ थर्ड इन द टेस्ट कंडक्टेड बाई डी एस तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा यहाँ पे थ्री आ जाएगा एंड यहाँ पे वन आ जाएगा ओके okay, क्योंकि हमें पता है 1, 2, 3 यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे डीएस में एंड द एवरेज रैंक ऑफ क्यू एंड आर वर नॉट इक्वल एंड द एवरेज रैंक ऑफ क्यू एंड आर मींस आप सिंपली कह सकते जो भी उनका टोटल सम है वो सेम नहीं होगा ओके okay, जो भी उनकी सम ऑफ द रैंक होगी वो सेम नहीं होगी

Uh, क्या टू हो सकती है यस टू ही एक पॉसिबिलिटी है थ्री तो खुद पी की रैंक है तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या जाएगी टू यहाँ पे आ जाएगा अब uh, टू यहां पे हो गया ओके okay. uh, ये हो गया हमारे पास uh, अब देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है हमारे पास और क्या पॉइंट है क्यू मैनेज टू गेट ओके ये पॉइंट यूज करना हमें क्यू मैनेज टू गेट अ बेटर रैंक देन आर एंड टू ऑफ द थ्री टेस्ट क्यू मैनेज टू गेट अ बेटर रैंक देन आर एंड टू ऑफ द थ्री टेस्ट देखिए अब डीएस में तो पॉसिबल नहीं है डीएस में उसकी रैंक आर से बेटर नहीं है और यहाँ पे बेटर लाने के लिए यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी है कि उसकी रैंक वन आ जाए ओके okay, तभी यहाँ पे बेटर बेटर होगा तो ये आ जाएगा हमारा uh, ये हो गया अब देखिये ओनली पी हैड अ बेटर रैंक देन एस इन ओके ये तो यूज कर लिया एस वॉज रैंक द ओनली टेस्ट इन विच एस मैनेज टू अ रैंक बेटर रैंक टेस्ट करना है, okay? ये सब भी हम यूज कर लिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटी आ सकती है यहाँ पे रैंक थ्री तो हो नहीं सकता ओके okay? अगर यहाँ पे रैंक फोर होगा तो मुझे क्यू को बेटर रखना है आर से ओके okay? सिंपली हमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करना है जो ये वाला पॉइंट है ओके okay? तो क्यू को बेटर रखना है तो यहाँ पे आधर फाइव हो सकता है या तो सिक्स हो सकता है ओके okay? जब जब हमारा ये फोर होगा तब इसका टोटल कितना होगा एट और अगर मुझे यहाँ पे इसका टोटल सेम नहीं रखना है तो मुझे यहाँ पे सिक्स लेना होगा सिक्स प्लस टू एट वन नाइन ओके तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा अब देखते हैं बाकी वैल्यूज भी हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं बाकी भी हम चेक कर लेते हैं सपोज यहाँ पे रैंक फाइव होगा तो अगर हमें आर को इससे बेटर रैंक नहीं देना है तो आर को यहाँ पे सिक्स देना होगा अब टोटल कितना आएगा फाइव प्लस थ्री एट वन नाइन और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा नाइन पर हमें ये बोला गया है कि द एवरेज रैंक ऑफ द क्यू एंड आर वन नॉट इक्वल तो हम कह सकते हैं ये एज अ केस पॉसिबल नहीं है और क्यू की रैंक सिक्स तो हो नहीं सकती क्योंकि क्यू को हमें बेटर रखना है आर से तो ओनली पॉसिबिलिटी है यहाँ पे फोर आ जाए यहाँ पे सिक्स आ जाए यहाँ पे टोटल एट हो जाएगा यहाँ पे नाइन हो जाएगा तो क्यू की हमें क्या पूछा था एन द रैंक ऑफ क्यू इन द टेस्ट कंडक्टेड बाई टी के रैंक ऑफ क्यू कितना है फोर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज फोर ओके अब इसको इरेज कर देते हैं जो जो हमने ये ब्लू पेन से लिखा है यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं एग्जाम में भी आप साइड में लिख सकते कोई जरूरी नहीं है आप ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे तो इरेज कर सकते हैं और इजिली सॉल्व कर सकते हैं इफ द एवरेज रैंक सिक्योर्ड रैंक्यो आर इज थ्री मीन आर का टोटल कितना होगा ओके एवरेज रैंक एंड क्यू इज टू तो क्यू का कितना होगा टू इंटू थ्री सिक्स क्यू का एवरेज कितना होगा टू और थ्री टेस्ट आर इन द टेस्ट कंडक्टेड बाय टीएम अब देखिए Q को हमें सिक्स लाना है क्यों को अगर हमें सिक्स लाना है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है एंड को अगर हमें लाना है तो वन टू एंड थ्री हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है अब देखिए यहाँ पे तो Q का वन आ नहीं सकता Q का वन यहाँ पे नहीं आ सकता अगर मैं Q को वन यहां पर दू समझिए थोड़ा हो okay, अगर मैं क्यू को वन यहां पे दू क्वेश्चन में क्या है टेस्ट कंडक्टेड सिंपल समझिए अगर यहां पे मैं वन देता हूं तो मुझे ये पॉइंट सेटिस्फाई करना है बेटर रैंक देन पी इन एस टी तो आर को यहाँ पे देखिए अगर ये टू रैंक हो जाएगा तो आर को भी वन चाहिए पर पॉसिबल नहीं है ओके okay. तो ये तो पॉसिबल नहीं है तो आर को यहाँ पे मेरे को क्या रैंक देनी होगी टू और यहाँ पे रैंक कितनी आएगी थ्री अब यहाँ पे थ्री आएगी तो यहाँ पे टू आ जाएगा यहाँ पे थ्री आएगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा अब देखिए टू यहाँ पे तो इसका हो नहीं सकता क्यू का टू यहाँ पे नहीं हो सकता तो क्यू का टू यहाँ पे आएगा पर देखिए क्योंकि क्यू को हमें सिक्स बनाने के लिए वन प्लस टू प्लस थ्री करना है पर टू एंड टू आप देख सकते हैं दोनों जगह पे हमारा रिपीट हो गया है तो हम कह सकते हैं ये वाला केस तो हमारा पॉसिबल नहीं है हमने जब वन यहाँ पे लेके देखा है ओके तो ये वाला केस तो हमारा पॉसिबल नहीं है तो जब मैं वन यहां पे लेता हूं तो टू मेरा यहाँ पे आएगा क्योंकि टू यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है टीएम के में तो टू यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसका थ्री हो जाएगा ये वन हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा अब हमें क्या बोला गया है क्यू मैनेज टू गेट अ बेटर रैंक देन आर एंड टू ऑफ द थ्री टेस्ट ओके ये थ्री हो जाएगा तो ये टू हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा अब देखिए क्यू की हमारी बेटर रैंक है यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या लाना है यहाँ पे हमें फाइव लाना है क्योंकि फाइव प्लस थ्री एट

अब uh, क्या पूछा हमें इफ द एवरेज रैंक बाय आर सेम द एवरेज रैंक बाय क्यू तो बास आर की जो रैंक यहां पे होगी वही सम यहाँ पे क्यू का होगा एंड द रैंक रैंक्योर्ड बाय पी एन एस टी इज बेटर देन द इज सेक्योर्ड इन डी एस ओके एंड द रैंक सिक्योर्ड बाय पी इन एस टी इज बेटर देन द रैंक

आर को बेटर रखना है सबसे पहले तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना है आर को बेटर रखना है तो यहाँ पे वन आ जाएगा ओके यहाँ पे वन आ जाएगा आ, ये वन हो गया यहाँ पे थ्री है हमारा ओके तो वन यहाँ पे तो नहीं आ सकता तो यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे टू आ जाएगा ये टू हो गया आ, ये हो गया और हमें क्या बोला है रैंक ऑफ क्यू एन एस टी क्यू एन एस टी पूछा है हमें

अगर मैं क्यू को यहाँ पे थ्री देता हूँ और इसको फोर देता हूँ तो तो इसका टोटल कितना होगा सेवन और इसका टोटल कितना थ्री प्लस वन फोर प्लस थ्री सेवन थ्री नहीं आ सकता ओके okay? क्योंकि हमें सेम रखना है तो ये नहीं हो सकता अगर मैं यहाँ पे फाइव देता हूँ तो ये कितना फाइव प्लस टू सेवन वन एट ये हो जाएगा मेरा एट तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा फोर ओके okay? तो फोर इज वन रैंक पॉसिबल देन द रैंक बाय ओके फोर इज वन रैंक पॉसिबल ये आ जाएगा हमारा फोर और क्या आ आ सकता है अगर मैं यहाँ पे सिक्स देता हूं तो ये कितना होगा सिक्स प्लस टू एट वन नाइन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइव फाइव प्लस थ्री एट वन नाइन ओके तो ये भी सही है हमारा तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज फोर और फाइव बाकी अब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा यही पॉइंट हमारा डायरेक्ट यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ओके okay, एक बार और री कर लेते हैं यह ये देखिए यहाँ पे थ्री रैंक है वन है टू है फोर है यहाँ पे वन है टू है थ्री है सिक्स है यहाँ पे थ्री है फाइव है वन है सिक्स है और ओके अच्छा हमें ये भी पॉइंट के बने सॉरी सॉरी ये हम मिस कर रहे थे द एवरेज रैंक सेक्योर्ड अक्रॉस द थ्री टेस्ट इज एन इंटीजर ओके तो एवरेज रैंक जब हम एट बाय थ्री करेंगे तो ये हमारा इंटीजर हमें नहीं मिलेगा ओके तो एक ये वाला केस तो हमारा सेटिस्फाई करेगा जब यहाँ पे सम नाइन आ जाएगा जब नाइन आ जाएगा तो नाइन करेंगे तो हमें थ्री मिल जाएगा तब तो हमारा वैल्यू okay? तो इतना हमें सॉरी okay? मैंने गलती कर दी थी आपके फाइव इज वन पॉसिबल वैल्यू तो ये वाला केस तो हमारा हट गया ये वाला केस भी हमारा हट गया अः अब देखते हैं और क्या वैल्यू पॉसिबल इसको इरेज करते पहले तो ये ओके okay. अब यहाँ पे अगर फोर है और यहां पे मैं फाइव दूं तो अगेन एट आ जाएगा यहाँ पे सिक्स दूं तो सिक्स प्लस टू एट वन नाइन अब फोर प्लस वन फाइव प्लस फोर नाइन ओके ये तो नहीं आ सकता हमारा अगर मैं यहाँ पे फाइव दूं यहाँ पे सिक्स दूं तो ये नाइन आएगा फाइव प्लस वन सिक्स और यहां पे आ जाएगा थ्री आप देख सकते हैं यहाँ पे टू थ्री वन सिक्स रैंक है यहाँ पे थ्री वन टू फोर रैंक है यहां पे मीन्स थ्री एज अ रैंक पॉसिबल है मींस थ्री और फाइव हमारी रैंक पॉसिबल है तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए That is three and five. Okay. ये हो गया हमारा आंसर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैं एक कंडीशन को रीड नहीं कर पाया और मैं जो भी ये आपके लिए जो भी हमेशा सेट सॉल्व करता हूं मैं उसे एज ए रियल टाइम में ही आपके लिए वीडियो बनाता हूं. कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहले से वीडियो ट्राई करता हूं इसलिए कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है मैं जस्ट एज अ स्टूडेंट आपको सेट सॉल्व करके बताता हूँ एवरेज रैंक सेक्योर्ड वन मोर द एवरेज रैंक जो एवरेज रैंक है एवरेज तो रैंक है टू तो क्यू की रैंक कितनी होगी थ्री मीन टोटल सम कितना होगा नाइन ओके देन द रैंक्योर्ड बा टेस्ट कंडक्टेड बाई डी एस इज इफ द एवरेज रैंक सिक्योर्ड बा हमारा थ्री है ओके okay. अब हमें क्या बोला गया है रैंक सेक्योर्ड बाय आर इन द टेस्ट कंडक्टेड बाय डीएस इज आर एंड डी एस मींस आर की रैंक हमें यहाँ पे फाइंड करना है अब देखिए आर के लिए तो हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है आर के लिए तो हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है पर सिंपल हमारा फोकस यही होगा कि हम जो हमारे ये दो पॉइंट गिवन है इनको हम सेटिस्फाई करें सिंपल फोकस हमारा ये होगा कि जो हमारे ये दो पॉइंट्स गिवन है इनको हम सेटिस्फाई करें ओके अब देखिए हम ऑप्शन यूज कर लेते हैं यहाँ पे वन टू एंड थ्री गिवन है तो सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पे वन प्लॉट करता हूँ तो वन यहाँ पे आ जाएगा और मुझे P से बेटर रैंक रखना है ओके okay, R को यहाँ पे P से बेटर रैंक रखना है तो यहाँ पे हमें थ्री देना होगा इसको तो ये मेरा टू आ जाएगा अब यहाँ पे थ्री होगा तो यहाँ पे टू होगा ये थ्री होगा अब ये थ्री होगा तो अगर देखिए अब मेरे को यहाँ पे टोटल इन दोनों का टोटल सिक्स लाना है अब इन दोनों का टोटल सिक्स किस तरह से आ सकता है फोर एंड टू नहीं है पॉसिबल हमारा ओके फोर एंड टू पॉसिबल नहीं क्योंकि टू ऑलरेडी रिपीट हो जाएगा एस में क्या फाइव एंड वन पॉसिबल है यस फाइव यहाँ पे आएगा तो वन यहाँ पे आ जाएगा ये आ गया और यहाँ पे अब देखिये हमें क्यू को बेटर इसको ओके okay, यहाँ पे देखिये क्यू की बेटर रैंक है आर के अगर हम कंपेरिजन में देखें यहाँ पे भी बेटर रैंक है और यहाँ पे बेटर रैंक नहीं है तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ दैट इन एस टी आर गॉट अ बेटर रैंक देन पी तो वन इज सच वैल्यू पॉसिबल ओके वन इज सच वैल्यू विच इज पॉसिबल फाइव प्लस थ्री एट वन नाइन यस वन इज सच वैल्यू विच इज पॉसिबल बाकी वैल्यूज को चेक करते हैं आप ये तो हमारा गिवन था नाइन ओके बाकी वैल्यूज को चेक करते हैं अगर यहाँ पे टू होगा तो यहाँ पे टू नहीं होगा तो यहाँ पे वन होगा तो यहाँ पे टू होगा तो यहाँ पे वन देना होगा क्योंकि इससे बेटर रखना है हमें आर को अब क्यू का हमारा यहाँ पे बेटर हो गया है यहाँ पे बेटर हो नहीं सकता तो क्यू को हमें यहाँ पे बेटर रखना होगा सपोज मैं यहाँ पे थ्री देता हूँ थ्री प्लस वन फोर अब यहाँ पे मुझे फाइव देना ही होगा अब फाइव यहाँ पे आएगा तो टोटल मेरा नाइन हो जाएगा अब टू प्लस वन थ्री Uh, अब मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे फोर भी दे सकता हूँ फाइव भी दे सकता हूँ सेवन कुछ सॉरी सिक्स भी दे सकता हूँ फाइव भी दे सकता हूँ ओके okay. और बाकी सभी कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं टू इज आल्सो वन वैल्यू पॉसिबल तो डायरेक्टली हमें देखिए वन एंड टू मिल गया तो कैन बी मोर देन वन ऑफ द अब थ्री चेक करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा कैन बी मोर देन वन ऑफ द अबव सो so गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सोल्व कर सकते हैं एग्जाम कंडीशन में इस टाइप के सेट को सोल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है पर फिर भी ये एक ऐसा सेट है जहां पे अगर आपके पास लास्ट में चार पांच मिनट बचते हैं तो आप वहां से दो तीन क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये मुझे सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लेंदी हो गया है पर अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ज्यादा केसेस हमें नहीं बनाने पड़ते सिर्फ हमारे पास चार कोचिंग है थ्री टेस्ट है तो ज्यादा वैल्यूज हमें चेक नहीं करना है और इजिली हम एग्जाम कंडीशन में इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग